आप सभी व्यूअर्स का खैर मकदम है। इस वक्त हम क्रीडी के इलाके में है। यहाँ पे आप सबसे पहले इस बिल्डिंग की विजुअल देखेंगे, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे एक पीएचई महकमे ने एक बिल्डिंग तामीर की थी, यहाँ पे एक गेस्ट हाउस बनाया था। लेकिन बदकिस्मत यह है कि इसे 4-5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये बिल्डिंग इनकम्प्लीट है। बहुत सारा रकम इस पे इन्होंने खर्च भी किया है। एक अच्छी ब्यूटीफुल जगह यहाँ पे थी, लेकिन बदकिस्मत यह है अगर लोगों का पैसा ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे अच्छी खासी बिल्डिंग, ये लोगों को दावा देते हैं कि हम यहाँ पे एक अच्छी खासी बिल्डिंग बनाएंगे ताकि लोगों को भी इससे फायदा हो जाएगा। लेकिन हद और बदकिस्मती यह है कि पीएचए महकमे ने इस बिल्डिंग को जैसे का वैसा ही रखा। आप इसकी हालत देख लीजिए कि यहाँ पे इसकी खिड़कियां, यहाँ पे इसके दरवाजे जो है, यहाँ पे सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते दिन में होते हैं। लेकिन पीएचई महकमे इस चीज से टस से मस नहीं हो रहा है। अगरचे हमने इससे अच्छा खासा रकम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन बदकिस्मत यह है कि अभी भी ये बिल्डिंग बिल्कुल, हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने जो पैसा है ये जाया किया है, लोगों का पैसा इन्होंने जाया किया। अब डिपार्टमेंट पीएचई महकमे को इस चीज का हिसाब देना चाहिए। इस गेस्ट हाउस पर अभी तक 36 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और 7 वर्ष गुजर जाने के बावजूद इसका मुकम्मल होना तो दूर, जितना काम हुआ भी था वो भी रफ्ता रफ्ता खत्म होके इसके भूत महल जैसी हालत हो गई है। ये गेस्ट हाउस तो नहीं बन पाया, लेकिन कुत्तों के लिए जरूर ठिकाना बन चुका है। पीएचई महकमा टैक्स से निकले लाखों रुपए को धुएं में उड़ाता चला जा रहा है। इसकी जिंदा मिसाल इस खस्ता जर तामीर बिल्डिंग से बढ़कर और क्या हो सकती है। पहले ये समझ में नहीं आता कि अगर ये डिपार्टमेंट ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ में लेने के अहल नहीं था तो क्यों इनको ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स थमा दिए गए। 36 लाख कोई मामूली रकम नहीं है और मिला क्या वो सबके सामने है। सब अगर हम पीएचई सब रीजन क्रीरी की बात करें, यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स आपने कई सालों पहले जिनकी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुए। हमें बता दीजिए क्या वजह है, क्यों ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए। खासकर ये आपके इस बगल में एक गेस्ट हाउस तामीर हो रहा था कई सालों पहले, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्या वजह है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक्चुअली मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं यहाँ पे हाल ही में आया था। यहाँ पे मुझे हार्डली 1.5 ईयर हो गए हैं ज्यादा से ज्यादा जी। तो इसके बारे में पेंडिंग रही लैक ऑफ फंड्स जी। सर आपको नहीं लग रहा है कि कई सालों से ये प्रोजेक्ट पड़ा है, आम लोगों का पैसा जो है जाया हो रहा है जी? इसके बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, चूंकि पहले इनको इम्पोर्टेंस देनी थी वाटर सप्लाई को, तो इसलिए पहले चूंकि ये जो यहाँ पे रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम क्रीडी बनी है जी, ये बिल्कुल बहुत ही एफिशिएंट स्कीम बनी है जी, बिल्कुल तारीफों के लायक स्कीम बनी है जी, जिसकी वजह से आज सबको यहाँ 40 हैबिटेशन को पानी मिल रहा है जी। तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से कि उस टाइम पे यही सोच के किया होगा कि पहले वाटर सप्लाई स्कीम को कम्प्लीट करते हैं, उसके बाद हम इस गेस्ट हाउस या क्या भी है जो भी कुछ है ये जी, तो उसके बाद उसको कम्प्लीट कर सकते हैं। तो मे बी ड्यू टू लैक ऑफ ऐसा कोई मसला आया या आपने कहीं लिखा अपने हायर अथॉरिटीज को कि यहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है? जी नहीं, हमने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, हमने इसके बारे में किसी को अवेयर नहीं किया ऐसे जी, क्योंकि हमें पहले सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी मोटो होता है वो होता है वाटर सप्लाई को मेंटेन, वाटर सप्लाई को चलाना मेंटेन रखना जी, या नया कोई प्रोजेक्ट होगा रिगार्डिंग वाटर सप्लाई ऑनली जी, तो उसको अच्छे से मेंटेन करना, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना साइट पे, तो वो हमारा प्राइमरी मोटो होता है। तो उसके बारे में मुझे इससे पहले भी इसके बारे में कुछ खास मालूमात नहीं थी, तो मैंने भी इसके बारे में कुछ ज्यादा ना किसी को बोला ना किसी से पता किया बस। क्या हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अब यहाँ से कोई चिट्ठी जाएगी हर तरह जिसके ताकि ये काम जो है जल्दी से जल्दी मुकम्मल हो जाए? जी, हम भी इसके बारे में हमारे AW साहब बेसिकली वो आज लीव पे है, तो उनको थोड़ा तेजियत पहुंचा था घर पे, तो हम उनको भी अवेयर करेंगे, तो मे बी वो भी लिखेंगे आगे हायर अथॉरिटीज को, तो रिगार्डिंग दिस बिल्डिंग कम्प्लीशन। आपने आर्यन से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूछा जा सकता है कि अगर बिल्डिंग अधूरी रह गई थी तो इसको लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट में क्यों नहीं डाला गया, जो साबिका गवर्नर ने सिर्फ ऐसे ही अधूरे प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए बनाई थी ताकि इसको भी मुकम्मल किया जा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएचई बारामूला डिवीजन और क्रीरी सब डिवीजन
के ऑफिसरान को ये बात भूल ही गई है कि यहाँ गेस्ट हाउस नामी कोई बिल्डिंग जेर तामीर है। अगर ऐसा है तो चलिए उन्हें याद दिलाते हैं। इस बिल्डिंग का काम 2012 में शुरू हुआ था और अब तक 30 लाख रुपए आपने इस पर खर्च किए और अब इसको वीरानी की हालत में छोड़ दिया। अगरचे हमने इससे अच्छा खासा रकम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन बदकिस्मत यह है कि अभी भी ये बिल्डिंग बिल्कुल, हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने जो पैसा है ये जाया किया है, लोगों का पैसा इन्होंने जाया किया। अब डिपार्टमेंट पीएचई महकमे को इस चीज का हिसाब देना चाहिए और खासकर खासतौर पर अगर हम यही कहेंगे कि आर एन ए की हमेशा यही कोशिश रहते है कि जहाँ पर भी लोगों के मसले मसाइल होते हैं हम उनको उजागर कहते हैं, लेकिन महकमा बड़े बड़े दावे देते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हम यही कह सकते हैं कि पीएचई महकमा खिलाफ है। और अगर हम खासतौर पर इस सब डिविजन क्वेरी की बात करेंगे, इस गेस्ट हाउस की बात करेंगे, यहाँ पे आप ये देख लीजिए बहुत अच्छी जगह, बहुत ब्यूटीफुल जगह थी, लेकिन इन्होंने ये पैसा यहाँ पे जाया किया है, इनको इस चीज का हिसाब देना चाहिए। यहाँ पर दोष सिर्फ पीएचई महकमे का ही नहीं है बल्कि डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में स्टैटिस्टिकल एंड मॉनिटरी का एक फुल फ्लैश डिपार्टमेंट भी मौजूद है जो फील्ड में जाकर डेवलपमेंट से जुड़े कामों का ऑन द स्पॉट जायजा लेके सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज देते हैं। इस मामले में ऐसा लगता है या तो कोई इंस्पेक्शन ही नहीं हुआ, और अगर हुआ भी है तो क्या उसकी रिपोर्ट सबमिट की गई है या नहीं, अगर हुई भी है तो एक्शन आज तक क्यों नहीं लिया गया। अब ये एलजी इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि इस मामले का संजीदा नोटिस लें और कसूरवार ऑफिसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि किसी को पब्लिक मनी को इस तरह बर्बाद करने की ना तो हिम्मत हो और ना इजाजत।